हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में। अब फ्रेंड बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम। दोस्तों आप सभी को पता होगा जो आपकी फिजिक्स की क्लासेस चल रही थी, चुंबकीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्त चार क्लासेस में कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्त आपका नया लेसन स्टार्ट हुआ है प्रकाशिक यंत्र, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्त आपको एक से दो क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्त आपको इस लेसन पर ध्यान देना है और अच्छे से यहाँ पे क्लासेस को देखना है। तो यहाँ पे चलते हैं, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं प्रकाशिक यंत्र। और जो भी फ्रेंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके दोस्त बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिएगा, जिससे दोस्त आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्त अभी तक आपने पिछले क्लासेस को नहीं देखा है धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो नीचे दोस्त आपको डिस्क्रिप्शन में पूरे आपको लिंक मिल जाएंगे। वहाँ पर जाके दोस्त आप प्लेलिस्ट में जाके एक एक क्लासेस को दोस्त आप हमारे एक एक क्लासेस को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो चलते हैं आज का क्लासेस स्टार्ट करते हैं प्रकाशिक यंत्र। इसके बारे में दोस्त कुछ बेसिक बताएंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो इसका जो मानव नेत्र, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपका मानव नेत्र होता है, मानव नेत्र रेशेदार जालीवत पदार्थ से बना होता है। किससे दोस्त? रेशेदार जालीवत पदार्थ से बना होता है। जब आप आँख के निकट की वस्तुओं को देखते हैं तो पक्षमाभी पेशियाँ सिकुड़ती हैं। क्या होती हैं दोस्त? जब आप किसी आँख के निकट कोई वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है? पक्षमापी पेशियाँ सिकुड़ती हैं, जिससे अभिनेत्र की फोकस दूरी क्या होती है? घटती है। मानव नेत्र के क्रिस्टली लेंस का दूधिया तथा धुंधला होना मोतियाबिंद की बीमारी है, जिसे चिकित्सक द्वारा पूर्णतः ठीक कर दृष्टि वापस लाई जा सकती है। ठीक है, अब दोस्त यहाँ पे आवर्धन क्षमता इकाई यक्स के साथ लिखे जाते हैं। यदि आवर्धन द्वारा प्रदत्त आवर्धन 10 है तो यह क्या है? 10x आवर्धन कहलाता है। सूक्ष्मदर्शी अति सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए और तथा दूरदर्शी की जो वस्तुओं की दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए प्रयुक्त होता है, जो आपका सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी होता है। तो सूक्ष्मदर्शी क्या होता है दोस्त? वो आपका सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो आपका दूरदर्शी होता है वो आपका दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किसी वस्तु का आभासी आकार उसके दर्शन कोण के घटने बढ़ने से घटता बढ़ता है। तो यहाँ पे दोस्त आज का क्वेश्चन पे आते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्त, मनुष्य की आँख प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? तो दोस्त जो आपका मनुष्य की आँख, वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है? जो जैसे कोई मनुष्य है दोस्त, वो किसी वस्तु को देखता है तो उस जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो आँख के किस, तो रेटिना के पे बनता है। किस पे दोस्त? आँख के रेटिना पे बनता है, जिसके द्वारा मनुष्य उस वस्तु को दोस्त आप स्पष्ट वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका दोस्त राइट आंसर सी हो जाएगा। और जहाँ प्रतिबिंब बनता है उसका नाम क्या है दोस्त? रेटिना है। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्त, विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँखों के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो किस पे होती है दोस्त? ये आपका सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित होती है। किस पे दोस्तों? सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित होती है। जब दोस्त आपका विभिन्न दूरी पर स्थित जैसे वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए, तो दोस्त आँख का जो लेंस की फोकस दूरी कहाँ कैसे परिवर्तित होती है? वो हमारा सिलियरी पेशियों के द्वारा परिवर्तित होती है। कौन सी पेशियाँ दोस्त? सिलियरी पेशियाँ, बी दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है दोस्त, नेत्र लेंस होता है। तो दोस्त आपका नेत्र लेंस यहाँ पर बात करते हैं, नेत्र लेंस आपका जो होता है वो आपका अभिसारी होता है। कैसा होता है दोस्त? अभिसारी होता है। ऑप्शन बी दोस्त इसका राइट आंसर है। और जो हमारा नेत्र लेंस होता है वो हमारा अभिसारी होता है। कैसा होता है दोस्त? अभिसारी होता है। अब दोस्त आपको अभिसारी और अपसारी में अंतर आपको डिफिनेशन आपको पता होगा दोनों के, ठीक है। यहाँ पे दोस्त जो आपका नेत्र लेंस होता है वो आपका क्या होता है? अभिसारी होता है। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है दोस्त, कोण जो कोई वस्तु हमारी आँख पर बनती है कहलाता है। ये क्वेश्चन दोस्त पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्त इसमें आपको पूछ रहा है
कोण जो कोई वस्तु हमारी आंख पर बनती है, तो किसी वस्तु द्वारा, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु द्वारा आंख पर बना गया दर्शन कोण कहलाता है। जो बनाया गया कोण क्या होता है दोस्त, वो आपका दर्शन कोण कहलाता है। जब कोई वस्तु द्वारा आंख पर कोण बनता है तो उस कोण को हम क्या बोलते हैं दोस्त, दर्शन कोण बनते हैं। क्या बोलते हैं, दर्शन कोण बोलते हैं। ऑप्शन बी दोस्त इसका राइट आंसर है, और दर्शन कोण इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, आवर्धन लेंस को कहते हैं। तो दोस्त आपका आवर्धन लेंस को क्या कहते हैं, जिसे हम सरल सूक्ष्मदर्शी के नाम से भी जानते हैं। किसे दोस्त, सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। किसको, आवर्धन लेंस को। किसको दोस्त, आवर्धक लेंस को आपको सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ऑप्शन ए दोस्त इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। और दोस्त आपकी जो क्लासेस हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से सुबह के आपके 9 बजे मैथमेटिक्स क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और इवनिंग टाइम में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोस्त दोनों का ही आपको क्लासेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है डेली। और दोस्त अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिएगा, जिससे दोस्त आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे सबसे पहले मिल सके। यहाँ पे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें बोल रहा है, एक उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह प्रयोग किया गया है, जिसकी आवर्धन क्षमता, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आवर्धन क्षमता 5 है, लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। यहाँ पे दोस्त आपको क्या बोल रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है, अर्थात यहाँ पे एफ की वैल्यू पूछ रही है। तो आवर्धन के लिए जो आपका फोकस दूरी का जो आपका फार्मूला होता है, यह ध्यान रखिएगा, जो आपका आवर्धन आवर्धन दोस्त m बराबर जो आपका फोकस 1 प्लस d/f, क्या होता है दोस्त, m = 1 + d/f। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो आपका फोकस दूरी होता है किसके दोस्त, दूरी होता है फोकस दूरी, आवर्धन क्षमता m = 1 + d/f। ठीक है, यहाँ पे आपकी डी की वैल्यू कितनी होती है, 25। डी की वैल्यू कितनी होती है दोस्त, वो आपका 25 होता है, जो कि आपका वहाँ पे क्या बोलता है, जो कि स्वस्थ मनुष्य का जो आपका वहाँ पे डी की वैल्यू होती है वो आपका 25 होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपने क्या एफ की वैल्यू निकालना है, यहाँ पे एम की वैल्यू दिया हुआ है, तो डायरेक्ट यहाँ पे रखते हैं। एम की वैल्यू क्या है दोस्त, यहाँ पे आपका एम की वैल्यू 5 है, ये आपका इक्वल में किया 1 प्लस, ये आपका 25 है, जो आपके स्वस्थ मनुष्य की स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, 25 हो गया, और यहाँ पे दोस्त आपने एफ की वैल्यू डायरेक्ट वैसे ही रख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे दोस्त, एफ की वैल्यू निकालेंगे, इसको आप इधर भेजेंगे, ये आप इधर रह जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आप एफ इक्वल टू कितना हो गया दोस्त, ये आपका 25/4 कितना हो गया दोस्त, 25/4 हो गया। एफ इक्वल टू इसको दोस्त डिवाइड किए तो ये आ गया 6.25 सेंटीमीटर, कितना दोस्त, 6.25 सेंटीमीटर में आ गया दोस्त इसका आंसर। अब दोस्त ऑप्शन में देखते हैं तो दोस्त ए इसका राइट आंसर है, और 6.25 इसका आंसर है। आवर्धन के लिए मैंने आपको फार्मूला बता दिया, जब भी आवर्धन पूछे दोस्त m बराबर 1 + d/f, इसमें आपको d की वैल्यू पता रहती है, या तो दोस्त आवर्धन क्षमता पूछेगा इस टाइप से क्वेश्चन में आपको, या तो आपको फोकस दूरी पूछेगी, फोकस दूरी दिया होगा तो आवर्धन क्षमता पूछेगा, और आवर्धन क्षमता दिया होगा दोस्त तो आपको वहाँ पे फोकस दूरी पूछेगी। तो इस क्वेश्चन में दोस्त आपको आवर्धन क्षमता दे रखा था, जिसका आपका फोकस दूरी पूछ रहा था, तो इसका दोस्त राइट आंसर ए हो जाएगा, और 6.25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्त जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएगा आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से वहाँ पर हल कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्त दूर दृष्टि के लिए क्या करते हैं, निश्चित दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि के लिए निवारण के लिए क्या प्रयोग करते हैं दोस्त, उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं, वो भी निश्चित दूरी का। ठीक है, तो ऑप्शन ए दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्त पॉलिटेक्निक के 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, और दोस्त आप सभी को पता होगा, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं।
किसका दोस्त, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूरदृष्टि दोष के लिए आपका उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, इधर ध्यान। इसमें दोस्त आपको पूछ रहा है 9 नंबर में, एक खगोली दूरदर्शी की आवर्तन क्षमता सामान्य दृष्टि के लिए 16 है, यदि सामान्य दृष्टि के लिए व्यवस्थित करने पर अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका के बीच दूरी 34 सेंटीमीटर हो तो अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी होगी। यहाँ पे आपको बोला है, क्वेश्चन में आपको बोला है, और आपको इसमें यहाँ पे पूछ रहा है अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका के बीच की जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पे FO अपान में FP की वैल्यू दे रखा है कितना दोस्त, FO अपान में FP की वैल्यू दे रखा है कितना दे रखा है, वो आपका 16। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, FO अपान में FP की वैल्यू दी हुई है कितना, 60 दिया हुआ है, जो आपका खगोली दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता सामान्य दृष्टि के लिए 16 है, कितना दोस्त 16 है, यदि सामान्य दृष्टि के लिए व्यवस्थित करने पर अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका के बीच की दूरी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका के बीच की दूरी 34 सेंटीमीटर है, अर्थात दोस्त आपका FO प्लस FP की वैल्यू दी हुई है कितना 34। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, FO प्लस FP की वैल्यू दी हुई है कितना 34। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे FO और FP की वैल्यू निकालना है। कैसे दोस्त, FO और FP की वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, FO इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 FP। यहाँ से देखिएगा, ऊपर वाले से देखिएगा, FO इक्वल टू 16 FP करेंगे और यहाँ पे FP की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। ऐसे करेंगे दोस्त तो यहाँ पे FP और FO दोनों की वैल्यू अलग अलग निकल कर आ जाएगी। यहाँ पे रख के देखते हैं दोस्त, तो FO की जो डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, FO की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 32 सेंटीमीटर, कितना दोस्त 32 सेंटीमीटर, और जो आपकी FE की वैल्यू आएगी कितना दोस्त, FE की जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी 2 सेंटीमीटर आएगी। तो यही दोस्त आपका FO और FE की आंसर है। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन में देखते हैं दोस्त, तो ऑप्शन में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में आपका B राइट आंसर है। तो दोस्त ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, एक व्यक्ति किसी वस्तु को अपने अधिकतम 7 मीटर दूरी पर देख सकता है उसी नेत्र की दृष्टि को सही करने के लिए, ताकि वह अनंत दूरी तक देख सके, उसे अपने चश्मे में कौन से व कितने फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी। यहाँ पे दोस्त आपको फोकस दूरी की भी यहाँ पे बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेत्र से प्रतिबिंब की दूरी V बराबर नेत्र से प्रतिबिंब की फोकस दूरी, यहाँ पे नेत्र से प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगी, ये आपका -7 मीटर में, कितना -7 मीटर में। अब दोस्त आपको क्या रख रखा है, नेत्र से वस्तु की दूरी यहाँ पे U इक्वल टू क्या दे रखा है दोस्त, इन्फाइनाइट, जो आपकी क्या है, नेत्र से वस्तु की दूरी। अब दोस्त आपको करना क्या है, आपको पता होगा फार्मूला क्या है दोस्त, 1/F इक्वल टू, ये आपने बहुत ही पहले पढ़ा होगा, 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। क्या पढ़ा था दोस्त, 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U से। अब दोस्त यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें F का वैल्यू निकालना है, 1/ जो आपका V की वैल्यू थी, V की वैल्यू ध्यान दीजिएगा कितना था, -7 माइनस 1/U की वैल्यू क्या थी दोस्त, इन्फाइनाइट थी, कितना इन्फाइनाइट यहाँ पे लिख दिए। अब इसको हल किया दोस्त, इसको हल किया तो ये 1/F इक्वल टू कितना आ गया, -7। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1/F इक्वल टू -7, और जो F की वैल्यू आ गई वो आपकी कितनी आ गई, -7, कितना आ गया दोस्त, F की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, F इक्वल टू -7, कितना आया F की वैल्यू, यहाँ पे -7 आ गया। फोकस दूरी क्या है दोस्त, यहाँ पे ऋणात्मक है, फोकस दूरी ऋणात्मक है, अतः जो लेंस की प्रकृति होगी, लेंस की प्रकृति क्या होगी दोस्त, वो आपका अवतल होगा, क्या होगा दोस्त, लेंस की प्रकृति आपकी अवतल होगी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका C हो जाएगा, -7 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की आवश्यकता होगी, किसकी दोस्त, -7 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। आशा करते हैं दोस्त ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है।
अगर दोस्त क्लासेस को अच्छे लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। और जो भी फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिएगा, जिससे दोस्त आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन